कैसा गुड मॉर्निंग गाइज, मैं उठ चुका हूँ और जैसे ही मैं उठा हूँ मैं देख रहा हूँ, देखो तीनों यहाँ पे, आदित्य, अन्ना और प्रतीक, सुबह सुबह इन्होंने मुझे उठा दिया और मेरे बेड पे ये लोग कर रहे हैं पिलो फाइट एकदम खतरनाक वाली। अरे प्लान मीटिंग हो गई इन दोनों की। क्या हो गई? इन दोनों की टीम है, मैं अकेला पिट रहा हूँ। अच्छा, दोनों मिलके उसके साथ पिलो फाइट कर रहे हो? नहीं अन्ना, बस चलो हो गया। अरे वो तो तेरी टीम में था ना, उसको क्यों मारा? चलो जी, इनकी पिलो फाइट तो चलती रहेगी। अभी थोड़ी देर में मुझे नहा धो के निकलना है सरोजिनी नगर मार्केट, क्योंकि दिल्ली आए और सरोजिनी नगर मार्केट में आपने रोड साइड शॉपिंग नहीं की तो क्या किया, क्योंकि मॉल्स में तो मैं बॉम्बे में भी कर सकता हूँ। मेरे दिल्ली आने का एक रीजन ये भी था कि एक दिन का अगर टाइम मिल जाए तो मैं सरोजिनी नगर मार्केट से कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकूं अपने लिए और संभावना के लिए। थोड़ी देर में निकलता हूं तो आप लोग को मिलता हूं मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको पता आज सुबह के 10 बज गए हैं और मैं अभी तक उठी नहीं हूं, पता ही नहीं चला ना अविनाश ने कॉल किया, सो आई एम श्योर कि वो भी सो रहा है और मुंह मेरा बन चुका है भोपला। मैं इतना कैसे सो गई, नई जगह पे मेरे को नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं सो गई। शायद ये सब जो क्यूटी चीजें है ना यहाँ पे, इनकी वजह से सो गई मैं आराम से, इनको पकड़ के कैंडी को कचहरी समझ के। अभी थोड़ा उठ के फ्रेश होती हूँ, अपनी कॉफी बनाती हूँ और आपको मिलती हूँ मैं छत पे। तो जी, हम लोग जा रहे हैं सरोजिनी नगर, मम्मी घर पे रहेगी। अरे मम्मी, मैं बोल रहा हूँ इधर बाय, आप चली गई अंदर। चले मिस ब्रिगेंजा। Yes. अरे इसने तो पूरा, इसके लिए किसने स्वेटर बना के दिया है? बस काट ना, फालतू है ना, शायद किसी का फालतू। अरे तो तेरे पीछे लग गया। इसकी इसकी आउटफिट बहुत अच्छा है। आउटफिट तेरी मुट्टी आ रहे। तो जी मैं आ गई हूँ टेरेस पे मेरी मिट्टी के साथ, ये भी अभी सो के उठ के ही है। मैं क्लास भी ले चुकी हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तेरी? ओहो देखो बच्चे क्या कर चुके हैं, हमें पता ही कुछ नहीं है। ये मैं पापा की कॉफी बना के लाई हूँ, पापा भी आई होंगे। देखना दादा आ रहे हैं बेटा, माय फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉफी। हाँ ओहो वाजीबा, देखो आप सामने नजारा देखो और यहाँ मैं खड़ी हूँ, वो देखो, ये देखो, ये गार्डन बहुत जबरदस्त है। और यहाँ दूर से चलते हुए आ रहे हैं मेरे पापा, मम्मी को भी यहाँ ले आए हैं, लेकिन आपको मैं पापा से मिलवा रही हूँ। पापा गुड मॉर्निंग कर दो। विधि गुड मॉर्निंग। विधि गुड मॉर्निंग मतलब वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे आपने, मेरे को सुनाई दिया पापा। विधि गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। ये लो पापा आपकी कॉफी। तो चूंकि पापा ने कल काफी ज्ञान दिया था तो मैं अगला ज्ञान आज का पूछती हूँ पापा से। पापा कुछ बताना है, कुछ जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, किस तरह के वो विचार होने चाहिए आपके, आपको एक वो रहना चाहिए जिंदगी में, आपका क्या जोश जुनून जज्बा रहना चाहिए, जरा बताओ पापा। जुनून और जज्बे के बिना जिंदगी है ही कहाँ। अगर मुझे मछली की आंख नहीं नजर आती और मुझे उसको तीर नहीं मारना आता तो मैं बहुत सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दूंगा। मेरी मम्मी भी पीछे बैठी हैं अब, तो थोड़ा सा मम्मी को भी टाइम दे दूं। चलिए फिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेना क्या आप ये बता दो भाभी। जितना सस्ता माल हो मेरे लिए खरीद लिया। एकदम बल्क में उठाया जाएगा, हम पूरा सरोजिनी नगर उठा लेंगे आज। याद रखना कि आदि थोड़ी खराब किस्म की औरत है। चीज हाथ में नहीं आती है तो पूरा भी मान जाती है। तो लंच का क्या करेंगे, जाते ही मोमोज ना खा लें? हाँ मोमोज खा सकते हैं, जाते मोमोज तो खाएंगे भाई, और वहाँ कॉर्न भी खाएंगे हम। अच्छा, और वहाँ क्या खाएंगे, टिक्की जरूर खाएंगे भाई, भूलियो मत, याद रखियो। तो फिर कपड़े कब खरीदेंगे? तो आप लोगों को एक बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार सबसे ठीक से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है मेरे बड़े जीजू। हेलो। ये है मेरी बड़ी दीदी। हेलो। ये मेरी छोटी बहन। ये मेरे छोटे जीजू। और ये हूँ मैं। सिर्फ कहने को सब बड़े छोटे हैं, बाकी सब हम उम्र ही हैं, आधे पौने इंच का फर्क है बस। मैं तो 16 साल का हूँ। और जीजू तो 16 साल का बता रहे हैं अपने आप। फिर बहन तेरा क्या कहना है इस बात पे, अगर जीजू 16 साल के तो तू कितने की हो गई फिर? मैं शायद उनसे बड़ी ही हूँ। 38 55 साथ वाली है ये, 38 ठीक है। मेरे ख्याल से मैं तुम सबसे छोटी लग रही हूँ, है ना? लेकिन ये सिर्फ तुझे ही लग रहा है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं सरोजिनी नगर मार्केट, तो शुरू करते हैं यहाँ से।
तो जी मैं आपको बता देती हूँ, मेरी भाभी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी है। इधर आना, इधर आ, खुद ही इतनी बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर लगती है। मुझे याद है कि मेरी मेहंदी पे इसने मेरा मेकअप किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं आज सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखें। ये मैंने पहना हुआ है, ये राखी का ही पहना हुआ है मैंने। क्या सोचा है राखी, कुछ मेकअप का कुछ आइडिया है कि क्या करेंगे हम? हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छा सा ग्लिटरी आई मेकअप करेंगे। अच्छा। और ऐसा मेकअप दूंगी जो तूने पहले कभी नहीं किया। और यार तेरे पास एनास्थासिया भी है, वाह, बताओ मेरे पास नहीं है। यार राखी यार ये तो आउटस्टैंडिंग है, वाह। और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट्स, जैकलिन फ्रॉम मॉर्फी। ये राखी की मेकअप किट है, ये अनदर किट है, ये सारी लिपस्टिक वगैरह है, दीज आर ऑल ब्रशेस। यार इतना मेकअप राखी मेरे पास भी नहीं है, पता है मेरे पास जो यूज करने वाली है वो क्या यूज करने वाली है? मैक एंड दिस कलर बार। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये देखो ये वाला मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मटेरियल कैसे बता दूं फोन पे क्या है? सॉफ्ट है यार। सॉफ्ट है, टच करो देखना। ठीक है, अंदर से सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो अभी एक वो शर्ट ले लेता हूँ व्हाइट वाली, और ये ले लेता हूँ अभी, फिर टी शर्ट का बाद में देखते हैं। मेरे को तो ये टाइट हो रहा है, भाभी को भी होगा। भाई सिर्फ बड़ा ले, भाभी का ये मसल्स मेरे से ज्यादा है। तो तेरे को क्या हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है? बहुत, उनको नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा मुझे पता है। भगवान मेरी बात सुन लो, बाकी मर्जी आपकी। ये देख रहे हो कितना लूज है, देखो बड़ा सा, ये बड़ा सा इसकी भी लाइन उनको आ जाएगा। अरे ले ले आराम से आएगा, कोई दिक्कत होगा तो बदल देंगे। तो जी हमारा मेकअप हो गया और आप देख सकते हो ये मेरा लुक है। और हम लोग ना लाइट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लाइट मिल जाए ताकि मैं प्रॉपर पिक्चर्स क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालूं। मैं राखी को टैग कर दूंगी और आप देख सकते हो ये पिक्चर्स जब भी इंस्टाग्राम पे आएंगी। है बहुत ही न्यूड, बाकी न्यूड रखा है और आईज काफी हैवी है। ये देखो मैं लव दिस मेकअप, छोटी सी बिंदी लगाई है मैंने और फेस्टिव मेकअप लुक अच्छा दिया है। यार ये दिवाली की पहले क्यों नहीं आ गई? मिट्टी मेरी पिक्चर्स क्लिक करेगी, कैमरामैन मिट्टी है। मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार आप टी शर्ट उतार के पहनो तो ज्यादा पता चल जाएगा। शॉपिंग इतनी हो गई कि एक बैग लेना पड़ गया। आप लोगों को ज्यादा मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी मार्केट में, लेकिन आप ये देख लो पूरा बैग लेना पड़ गया। आए थे खाली हाथ और जा रहे हैं सूटकेस लेकर, सबसे बड़ा वो भी फिल्ड सूटकेस, उसके बावजूद सबके हाथों में सामान है। हाइजीन का ध्यान रखते हुए हमने गोलगप्पे अलग से मंगा लिए कि हम खुद बनाएंगे, और गोलगप्पे वाले हैं मेरे जीजू, वो हम सबको गोलगप्पे बना बना के दे रहे हैं और हम खा रहे हैं। मैं गोलगप्पे के लिए मर्डर भी कर सकती हूँ उस वक्त, गोलगप्पे में कोई ना घुसे। जीजू को गोलगप्पे और तो ज्यादा पसंद है। चिंता मत करना, हाथ सबने सैनिटाइज कर लिए, हर टेबल से हमारी दूरी 1 मीटर है, सो डोंट वरी। देखो अगर लाइट में प्रॉपर आती हूँ ना, देखो कितना अच्छा लगता है। आए राखी वाह, इधर आ, वाह मेरी भाभी जियो। और मुझे लगता है कि चूंकि मैंने इतना अपना समय बिताया है राखी के यहाँ पे सोफे पे, तो मुझे इसके लिए राखी चाय पिलाएगी। मुझे लिपस्टिक दे दे। हाँ ये मेरे को दे दे, चलो इस बार ने कुछ तुम्हारा। तो जी हम सब चल पड़े घर की ओर, हालत बहुत ज्यादा खराब है शॉपिंग कर करके, दिमाग भी खराब है, सर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि 2 घंटे का वादा करके निकले थे घर से और 7 घंटे शॉपिंग कर लिए, फिर भी लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो जी हम लोग पहुंच गए अपने घर के नीचे, अब ऊपर जा रहे हैं। क्या लिया है? ज्यादा लेट हो गए क्या मम्मी? बहुत सुबह के गए हो, ये टैची की जरूरत किसको पड़ गई? बहुत पूरा दिन गवा दिए तुम लोग। भाई सच में बड़े घुमक्कड़ लोग हैं। 32 जोड़ा कपड़ा लिया है, अटैची तक लेना पड़ेगा, अटैची लेना पड़ेगा, काम की चीजें लिए सारी। अब इसकी अटैची मैं रख लूंगी ना, देंगी थोड़ी ना, अटैची मैं रखूंगी। आदि की पैंट आगे से फटी हुई है, ये डर गया, ये डर गया। तो जी घर में आने के बाद सब कुछ सैनिटाइज करके नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए, अब खुल रहा है बैग। चलो जी खोलो, ये भाभी का, ये आपका, ये वाह बहुत सुंदर।
तुम लिए हो। थैंक यू बेटा। मम्मी ये वाली जो जैकेट है ना, ये टू इन वन है। बहन खोलिए जरा इसको एक बार। ये देखो अंदर, देखो हमें, देखो टू साइड की जैकेट है। ये एक जैकेट है मेरी, ये वो पैंट्स है ना उसके लिए। पैंट ले तो लिया, उसको पता नहीं आएगी नहीं आएगी। ये देखो टू थ्री, ये आएगा मम्मी इसको। हाँ आराम से देखने, बाबा पेट पे बंद हो रहा है ये। आराम से आराम से यहाँ पे गड़बड़ है। ये संभावना की शर्ट है मम्मी वाली। तो एक बार जोकर बन के दिखाएगा अर्णव। अरे यार उतारो 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 यार, भूल गए। ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर। जुलाई में किया था ना, जुलाई, उसके बाद कोविड हो गया। और अब प्रतीक करके दिखाएगा क्या? दे दे दोबारा दोबारा। मेरे जो छोटे वाले तीनों नेफ्यूज हैं, वो तीनों बहुत ही अच्छा फ्लॉस करते हैं, तो मैंने कहा आज के वीडियो में फ्लॉस चैलेंज हो जाए तीनों का। इसे नहीं आता फ्लॉस। अपनी कमर को थोड़ा इधर कर लो। हाँ। और यूं खींचना है। यूं खींचा और फिर यहाँ पे टर्न करके आगे मुझे। हाँ। One and two and, एक मिनट, one and two। डांसर आपको डांस स्टेप हमने आपको सिखा दिया। डांसर हो गए भी क्या यार, क्या यार, क्या यार। ऐसा डांस कर सकते हो कैसा? तो जी आप देख सकते हो कि मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ। मेरे को ठंड लग गई है, मेरे सर में सर भारी हो रहा है मेरा। और ये देख लो जैकेट पहनी हुई है, पता नहीं ये बिना किसी उसके जैकेट के बैठी हुई टी शर्ट में। इसके हिसाब से कोई ठंड नहीं है। और मेरे हिसाब से देख लो जरा, एक क्विल्ट के अंदर भी हूँ। हम लोगों ने ये किया है अभी तक। ये मेरा है, ये राखी का है। कम्प्लीट तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं सो जाऊंगी। चलो बाय 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 बाय। चलो बाय जी बहन। अरे पैर तो दे दे अपने। अरे अरे ठीक है। अरे मामा के पैर नीचे थे, मामा नरक में चला जाता है। चल ठीक है भाई, हाँ बाय बाय। चलो परसों मिलते हैं फिर। तो अभी दीदी जीजू और अमन और प्रतीक चारों लोग वापस आएंगे जिस दिन संभावना आएगी सुबह सुबह। तो अभी जो है ब्लॉग को खत्म कर दिया जाए आज का। क्या बोलते हो? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मामा के चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। सुबह मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। शुभ रात्रि।